हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएसआई में 40 हिंदी, 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 जीएस आएगा। वैसे तो मैं पूरे का पूरा सेट भी करवाऊंगा और बाकी मैं 40-40 क्वेश्चन के रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी को अलग से भी करवाऊंगा। तो आज हम लोग जीएस का पहला सेट देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन भी बताऊँगा, आंसर भी बताऊँगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर दूँगा। आइए देखते हैं, ये यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो जो चांदी का सिक्का टका था इसको किसने चलवाया था, इसको चलवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने देखिए दो सिक्के चलवाए थे, एक तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। जो चांदी का चलवाया था सिल्वर का वो था टंका, और जो तांबे का चलवाया था वह क्या था, वह जीतल था, ठीक है ना। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, और दूसरी बात क्या है कि इसके जो सिक्के थे उस पर टकसाल का नाम भी रहता था। सबसे पहले इसने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसने जो बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र या सुल्तान आजम की उपाधि भी ली थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो किसने आधारशिला रखी है, तो यह आधारशिला रखा गया किसके द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। गुरु रामदास सिखों के कौन थे, ये चौथे गुरु थे, ठीक है, ये चौथे नंबर के सिखों के गुरु थे। और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इनको 500 बीघा जमीन दान में मिला था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा मिला था, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। देखिए 1915 में गांधी जी वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और एक साल तक इनको जो गुरु थे उन्होंने कहा था आँखें खुली रहें लेकिन मुँह बंद रखना। तो आंखें खुली और मुंह बंद करके एक साल तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, और उसके बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था वह 1917 में किया था, चंपारण में किया था, और ये किसानों के लिए था, और ये किसके लिए था, तीनकठिया के विरोध में था। और इसके लिए इनको इनवाइट किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल अध्यक्ष को लेकर के 7 मेंबर थे, ठीक है। और हुआ क्या था, ये 1926 में जो अम्बेडकर साहब थे ये बम्बई विधानसभा के सदस्य नामित हुए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो विधि के समक्ष समानता की जो बात करता है वह करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के सामने समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो है लोकतंत्र वह प्रतिनिधियों का है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का काम कौन करेगा, वह संसद करेगा, और वह आर्टिकल नंबर 61 के तहत करेगा, 61 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, और अगर वह महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और अगर महाभियोग पारित नहीं होता है तो वह अपना पद पे बना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए, ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो होगा वह कितना होगा, कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी 1/10, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, 10%, यानी टोटल जितना भी मेंबर होंगे उसके 10% लोग अगर प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, और अगर नहीं होंगे तो नहीं चलेगी। इसी को कभी कभी सीधे पूछा जाता है कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है, तो या कोरम कितना है, तो यह है कितना, 10%।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कॉस्मोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौर मंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में यह कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो आधे हिस्से से होकर के गुजरने वाली कौन सी रेखा है? वह है कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा जो है यह लगभग आधे हिस्से से होकर के गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और लगभग लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे पूछा गया किस राज्य में, तो यह हो गया क्या, मेघालय, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहीं पे क्या एक जगह पाया जाता है क्या, वह है मानिसराम, ठीक है ना, जो मासिनराम है, जो मासिनराम जो जगह है ये कहाँ है, मेघालय में है और मासिनराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो जगह पूछे तो मासिनराम, स्टेट पूछे तो मेघालय। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है? तो वह दिया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, यानी जो साउंड होता है उसको किस में नापा जाता है? तो साउंड को नापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और इसमें ये होता है कि 80 डेसिबल से जब ऊपर हो जाता है, जब आपने साउंड को नापा 80 डेसिबल से ऊपर हो गया तो उसको हम लोग शोर की श्रेणी में रख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी से बाहर रहता है। तो देखिए, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका 0.1 हिस्सा अगर पूछे तो 0.1 हिस्सा इसका बाहर रहता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10% ये पानी के बाहर रहता है, ठीक है ना, 10% पानी के बाहर रहता है और 90% पानी के अंदर रहता है, या 0.9 भाग पानी के अंदर रहता है और 0.1 भाग पानी के बाहर रहता है, ठीक। जब ये बर्फ बनता है ना तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, इसका वॉल्यूम जो है ना 10% बढ़ जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान और खाली जगह का द्रव्यमान एक समान होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के समान होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्रोटॉन एक धनावेशित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है और दोनों का वेट जो होता है लगभग बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 56, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को जो क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वह कवकों के अध्ययन को कहते हैं और न्यूरॉन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन्स की जो नर्व्स जो होती है वो सबसे बड़ी सेल्स हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए मानव शरीर के अंदर तो न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स किसकी इकाई है, तो जो आपका मस्तिष्क है उसकी इकाई न्यूरॉन्स होते हैं, और किडनी की इकाई पूछे तो नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, और दो के दोनों चीज़ें चार चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करिए। तो इसको द्विपदी में जब हम परिवर्तित करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 110101, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द की जो टर्म है यह सबसे पहले किसने दिया है, यह सबसे पहले दिया है अर्नेस्ट हेकल ने दिया है, ठीक है ना। और इसको इन्होंने कब दिया था, यह दिया था इन्होंने 1866 में, ठीक है, 1866 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की रचना की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 60,
निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है यह है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। दंपा टाइगर रिजर्व जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, और इसे कब बनाया गया था, इसको घोषित किया गया था 1994 में, ठीक है ना, और ये टाइगर रिजर्व के रूप में है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 550 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ये तो, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख होता है वह होता है जिलाधिकारी, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जबकि 20 मार्च 2009 को जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 20 मार्च 2009 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको झूठ पकड़ना है तो नार्को टेस्ट भी कराया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाता है, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये ब्रजभूमि का है, ठीक है। ब्रजभूमि का जो लोक नृत्य है वह क्या है? चरकुला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब पहले छोटा और फिर बड़ा। तो 65 में जो हमारा सही है यह गौतम बुद्ध नगर है, इससे बड़ा बाराबंकी है, उससे बड़ा मिर्जापुर है, और इन सब में सबसे बड़ा जो हो गया वह सोनभद्र हो गया। वैसे अगर पूछे यूपी का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा होता है? लखीमपुर खीरी है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाएगा? तो यह किस हिसाब से कहा जाएगा? तो वह कहा जाएगा बेईमानी के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के खाली जगह विषय में क्या सही है? तो 375 और 376 क्या है? तो यह है आपका बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, ठीक है ना। तो ये किस में आएंगे? 375 और 376 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो उसको अधिकतम कितने साल के लिए सजा मिलेगी? तो वह मिलेगी अधिकतम 12 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69, ये एक चिन्ह दिया गया है, जब आपको ये रोड पे ये चिन्ह दिखता है तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब हमको बताना है कि क्या होता है जब ये रोड पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 में इसका मतलब होता है रुकिए, ये रुकने का सिंबल है, को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ 12 अक्टूबर, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खाली जगह से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो कहाँ से यह अनुरोध कर सकता है? तो यह अनुरोध कर सकता है लोक प्राधिकरण से, यानी लोक प्राधिकरण वाले जितने भी ऑफिस हैं वहाँ से आप अपना सूचना के अधिकार के तहत कोई भी सूचना मांग सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है ना, हमको ये बताना है कि कौन सा सही है, और इसमें आपके दो पॉइंट दिए गए हैं, और दो पॉइंट में क्या क्या आपको बताना है सही है। पहला दे रहा है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए।
तो इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें हमारी पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है, तो इसमें सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि, तो क्यों, पहला इसमें 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा पॉइंट कह रहा है, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। और तीसरा पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया, ठीक है ना। तो इसमें जो सही होगा वो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा साहनी केस जो था ये 1992 का केस है, ये कब हुआ था, 1992 का ये मैटर है ना। और इस ऐतिहासिक फैसले में, जिसे मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ने पिछड़ापन की कसौटी बना दी थी। साथ ही इसे तय करने के लिए एक नई व स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्माण का आदेश भी दिया था। उसके बाद से आरक्षण के मामले की सिफारिश भी इसी संस्था के जरिए होती है। इसी वाद में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया था, यानी 1992 में जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता है वह 1992 से, और किसके कारण मिलता है, इंदिरा साहनी के केस के मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 72 का। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में यह कहा गया, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो पहले दे रहा है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं के स्थापना के संदर्भ में वर्णन करता है, और दूसरा संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो 73 में हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है, एक व्यक्ति के जो अधिकार होने चाहिए भारत में वो क्या सही है। तो पहला, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए या हाईकोर्ट में जाइए। फिर यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, ठीक है ना। अगर कानूनी अधिकार आपका प्रभावित हो रहा है तो आप किसी भी न्यायालय में, सामान्य न्यायालय में जाएंगे। तो 74 में जो हमारा सही होगा यह सही होगा ए, क्योंकि इसमें दो के दोनों चीज़ें सही लिखी गई हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 में यह है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है, तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति देता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत देता है, धन विधेयक के अनुच्छेद 110 के तहत देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 में ये कहा गया, 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का जो सही क्रम है वह क्या है, यानी किस क्रम में बाघ हैं। तो 76 में हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सिर्फ दो बाघों का अंतर है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, और सबसे कम में जो आएगा वह हमारा तमिलनाडु। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, BS येदुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो BS येदुरप्पा जो हैं ये कर्नाटक में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में है, जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये कहाँ पे संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, तो 78 में हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है, तो यह समझौता भारत ने किसके साथ किया है, यह ब्रिटेन के साथ किया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आइए जीएस का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
80, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। यानी जो निजी क्षेत्र होंगे ना, वहाँ पे भी अब रिजर्वेशन चलेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वैसे अभी एक रिसेंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि MP जो है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने OBC का जो आरक्षण था उसको 27% कर दिया है। MP ने कितना OBC का आरक्षण कर दिया है? 27% कर दिया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस तरह से पार्ट पार्ट में भी मैं सबका लाऊंगा और इकट्ठा भी दूंगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।